हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के वीडियो में एथेन नेटवर्क से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, किस प्रकार से आप यहां पर एक बड़ा अमाउंट जेम का अर्न कर सकते हैं उसको लेकर अपडेट आ रहा है। साथ ही यहां पर लॉयन टोकन को लेकर भी कुछ अच्छी खबरें आ रही है, इसकी लिस्टिंग वगैरह को लेकर, जो सबसे पहले यूनिस्वेप पर अवेलेबल हुआ लेकिन अब एक्सचेंजेस आ रहे हैं जो इसे अवेलेबल कर रहे हैं। साथ ही ATH लिस्टिंग को लेकर क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं, जो है यहां पर जेम को किस प्रकार से अर्न करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एथेन की एप्लीकेशन के ऊपर। होल्ड का ऑप्शन ऐड हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहां पर कुछ पैकेजेस देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमने आपको बताया था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये पैकेज आप अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर सही समय पर आपको इसे क्लेम करना पड़ेगा, वरना इस पैकेज लेने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर 10 टोकन को होल्ड करते हैं ATH के, तो आपको रिवॉर्ड के थ्रू 1000 टोकन मिलने वाले हैं 24 घंटे में। आपको यहाँ पर 24 आवर्स से लगाकर 48 आवर्स के बीच में क्लेम करना ही पड़ेगा। अगर आप 100 को होल्ड करते हैं तो 10,000 24 आवर्स में मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप 1000 होल्ड करते हैं तो आपको लगभग 1,00,000 टोकन मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है, 1,00,000 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जेम, वो भी सिर्फ एक दिन में। मतलब 30 दिन के कितने हो जाएंगे, 1000 ATH को होल्ड करते हैं तो 30 दिन के कितने हो रहे हैं, 30,00,000। काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगर आप यहां पर 5000 को होल्ड करते हैं ATH, वैसे हमारे पास तो नहीं है, काफी लोगों के पास इतने ATH तो नहीं होंगे, तो आपको यहां पर 5,00,000 कॉइन दिए जाएंगे इनके द्वारा। अगर आप 10,000 को होल्ड करते हैं तो यहां पर ऑलमोस्ट 1,000,000 24 आवर्स में, 30 दिनों में 30,000,000 टोकन, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 30,000,000 को आप कन्वर्ट कर लो, जो इनका रेशियो होने वाला है 0.006 का, इसके बेसिस पर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो जो भी यहां पर आता है एक बड़ा अमाउंट ATH का आपको मिलेगा मंथली। जब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जून मंथ का कैलकुलेट होगा, जुलाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक बड़ा अमाउंट ATH का आप अर्न कर सकते हैं ये जो यहां पर पैकेजेस हैं इनको लेकर। अब इन पैकेजेस में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, हमारा ही कॉइन है जो हमको इन्होंने दिए थे माइनिंग के थ्रू, इनको ये होल्ड करने का कह रहे हैं। लेकिन टाइम कितना ले रहे हैं ये, 180 डेज। मतलब हमें यहां पर इसे 6 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा। 6 महीने के बीच में ये अगर लिस्टिंग वगैरह करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये कहा हुआ है 6 महीने तक आप होल्ड करें। लिस्टिंग वगैरह तो अभी नहीं होने वाली, शायद से मेननेट वगैरह को टाइम लगेगा, टेस्टनेट अभी आ रहा है इस महीने में, टेस्टनेट के बारे में इन्होंने यहां पर कहा था। उसके साथ ही लिस्टिंग को भी अभी टाइम लग सकता है। अब एक चीज, आपने अगर यहां पर इसे लगा दिया हुआ है होल्ड पर तो आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा गेट रिवॉर्डेड। जैसे हमने यहां पर ये पैकेज ले लिया है, हमने हमारे 100 कॉइन जो ATH थे उनको होल्ड पर लगा दिया है। अब इस प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिलेगा गेट रिवॉर्डेड का ऑप्शन। अभी तो यहां पर हमने इस रिवॉर्ड को क्लेम कर दिया है, आपको भी 24 घंटे के बाद आकर इसे क्लेम करना है, वरना 24 से 48 घंटे के बीच में अगर क्लेम नहीं किया तो शायद ये यहां पर रिवॉर्ड जो है वो गायब हो जाएगा। मतलब आपको जो 10,000 कॉइन मिलने वाले थे जेम के, वो यहां पर 24 घंटे में नहीं मिलेंगे। उधर क्लेम में ये शो नहीं होगा, आपको यहीं पर आकर इसे क्लेम करना पड़ेगा। ये जो आपको टाइम दिख रहा है ये यहां पर विड्रॉल का है, ATH को विड्रॉल करने के लिए आपके पास अब 178 डेज है, क्योंकि हमने यहां पर दो दिन पहले मतलब कल लगा दिया था, तो अभी 178 डेज बाद हम यहां पर हमारे ATH को विड्रॉल कर सकते हैं। तब तक हमें यहां पर इस होल्ड करने के कारण जेम जो है वो लगातार मिलते रहेंगे। 10,000 मिल रहे हैं, आपने देखा है। आप भी यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो भी लगा सकते हैं, 10 कॉइन होल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है 100 की होल्ड करने की तो आप वो कर सकते हैं। हमने पूरे नहीं लगाए हुए, पूरे हमारे पास वैसे है भी नहीं। जो 100 है उसके बाद सीधा ऑप्शन आता है 1000 का, तो 1000 तो नहीं है हमारे पास, 500 कॉइंस थे तो हमने 100 यहां पर लगा दिए होल्ड पर। जितना भी अमाउंट मिले अच्छा होगा, अगर यहां पर ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ तो फायदा हो सकता है, अदरवाइज तो हम यहां पर माइन कर रहे हैं काफी टाइम से, आप भी माइन करते रहिए। अब बात करते हैं यहां पर लॉयन टोकन को लेकर अपडेट जो आ रही है उसकी भी। तो यहां पर इन्होंने क्या अपडेट दिया हुआ है लॉयन टोकन को लेकर, लॉयन टोकन जो यहां पर अवेलेबल हो चुका है एप्पल स्वैप के ऊपर, इससे पहले यूनिस्वैप, मतलब अभी भी यहां पर ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल हो रहा है। इन्होंने यहां पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी कि एप्पल स्वैप से भी आप ट्रेड कर सकते हैं लॉयन की, अगर आप यहां पर लॉयन में ट्रेड लेना चाहते हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा हुआ, एडिशनली एक मेजर एक्सचेंज है जिसके साथ इनकी बातचीत चल रही है, कॉन्टेक्ट हो रहा है, जो यहां पर लिस्टिंग कर सकता है किसकी, एथेन की भी और लॉयन की भी। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी यहां पर कम्युनिटी को मिल सकती है। एथेन तो अभी अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एथेन को भी परचेस करना चाहते हैं तो इनका P2P प्लेटफॉर्म है एथेन का, वहां से आप एथेन को परचेस कर सकते हैं। वहां पर एथेन का जो प्राइस है $0.11 है। यहां पर तो उन्होंने पाई के लिए भी अवेलेबिलिटी दे दी है, मतलब पाई को भी अवेलेबल कर दिया है। पाई का प्राइस जो है INR में लगभग ₹25 है, बाय सेल वहां पर भी आप कर सकते हैं। इनका जो P2P प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाकर आप वहां पर इस चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये लेकर आ गए हैं फिर से, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट से ही जुड़ी हुई है। इनका क्या कहना है कि यहां पर जिस प्रकार से आप ATH को होल्ड कर रहे हैं एक ही दिन में, जस्ट ओवर अ डे यहां पर कैंपेन शुरू हुआ और 11.5 मिलियन ATH है जिनको यहां पर
यूजर्स ने होल्ड पर लगा दिया, तो इससे ATH की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसका सप्लाई जो है होल्ड पर जा रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को और मैक्सिमाइज बनाने के लिए, प्रॉफिट को और मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आप सभी को यहाँ पर एक ही दिन में 16,000 ATH को बाय करना चाहिए, जिससे स्ट्रेंथ यहाँ पर, कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़े, जेम की माइनिंग तो आपको मिलती रहेगी। साथ ही यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि परचेज करें एडिशनली 100K से लगाकर 200K ATH आप यहाँ पर P2P पर बाय कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर इसका जो सप्लाई है वो कम होगा और इसकी डिमांड बढ़ते नजर आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ ये कह रहे हैं फिर से इन्वेस्टमेंट करने की, काफ़ी सारे यूजर्स इन्वेस्टर अभी भी यहाँ पर इनको यही कह रहे हैं कि एक प्रकार का नेगेटिव प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पर सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करवाते हैं, स्कैम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे कमेंट्स नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनको चुप करवाना है तो यहाँ पर इनकी टीम को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज़ें लाना पड़ेगी। अभी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट के अलावा यहाँ पर कुछ प्रॉफिट वगैरह दे तो वो बढ़िया साबित हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर लॉयन के साथ हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉयन टोकन मिल भी गए हैं तो कोई मतलब की बात नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम नहीं किया, हमने भी क्लेम नहीं किया, हमने भी यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाला, लेकिन उसको ले जाने के लिए लगभग $10 यहाँ पर ETH की जो गैस फीस है वो लग रही थी, इसलिए हमने नहीं किया। अब और कोई भी अपडेट आती है एथेन नेटवर्क से जुड़ी हुई, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।